हेलो फ्रेंड्स, मैं दिशा गौतम आपको स्टेनोग्राफी की क्लास 9th देने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको चैप्टर 6 करवाऊंगी। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो अगर कोई डाउट होता है तो। आपको देखिए, जो चैप्टर 6 है उसमें मैं आपको रूल्स ऑफ आर बताऊंगी। आर का पूरा चैप्टर है। इसमें आर जो होते हैं, आर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है अपवर्ड आर होता है, नीचे से ऊपर बनता है, एंड देन सेकेंड होता है ऊपर से नीचे बनने वाला। ठीक है, इसके रूल्स हैं आर के काफ़ी, तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसके रूल्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे। ठीक है, जो इसका फर्स्ट रूल है अपवर्ड आर का एंड डाउनवर्ड आर का रूल, जो फर्स्ट है अपवर्ड आर कब यूज़ करेंगे, जब आर के बाद क्या जाएगा, वोवल। आर के बाद वोवल आएगा तो हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, रोड और एड, रेड। आर के बाद वोवल आ रहा है ना, आर से स्टार्टिंग हो रही है, तो आर के बाद, तो आर अपवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, रोड आर के बाद तो रेड, सेम ऐसे ही लाइट डॉट लग जाएगी। अब जब वॉवल पहले आ जाएगा उसके बाद आ रहेगा तो डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे हम। जैसे एग्जांपल के एयर आ गया, एयर क्या है हमारी, वॉवल है। वॉवल पहले आ गया आर से तो आर बनाएंगे और ए का वॉवल लगा देंगे। ठीक है, और के लिए सेम, ओ क्या है हमारा, वॉवल है तो आर बनाएंगे और बन जाएगा। जो इसका सेकेंड रूल है वो देखिए, आर ना लास्ट में बोलने में खींचेगा, और लास्ट में क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, वॉवल भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कैरी, कैरी बोलने में खींच रहा है, कैरी बोल रहे हैं ना हम, कैरी नहीं बोल रहे, कैरी बोलेंगे। और री के बाद क्या आ रहा है, ई, यानी वॉवल भी आ रहा है। आर के बाद क्या आ रहा है, वॉवल भी आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, क बनाएंगे रा बनाएंगे, कैरी। ठीक है, इसका जो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैरी, सेम है, मैरी तो एम बनाएंगे आर बनाएंगे, मैरी। ओके, और जो इसका डाउनवर्ड आर कब यूज़ करना है, जब आर लास्ट में नहीं खींचेगा, लास्ट में नहीं खींचता। कहने का मतलब है, जब कोई भी वर्ड है जो आर एंड ऑफ द आर हो रहा है, यानी आर कोई भी वर्ड आर पे ख़त्म हो रहा है, लास्ट में क्या है, आर है, उसके बाद कोई वॉवल नहीं है और ना ही कोई वर्ड है, तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कार, आर पे ख़त्म हो रहा है, एंड के इस पे हो रहा है, आर पे हो रहा है, तो क बनाएंगे और आर बनाएंगे, कार। लास्ट में एग्जाम्पल देख लीजिए, एरर, ठीक है, तो एरर लास्ट में आर पे ही ख़त्म हो रहा है, तो दोनों बनेंगे, दोनों डाउनवर्ड आर बनेंगे। ओके, बिकॉज वोवल पहले आ रहा है, जब मैंने बताया था वोवल पहले आता है तब भी डाउनवर्ड आर यूज़ करते हैं। ओके, इसका जो थर्ड रूल है वो है, आर के बाद क्या आ जाए, एम। आर के बाद कभी भी एम आ जाएगा तो हमेशा हमेशा क्या करना है, डाउनवर्ड आर यूज़ करना है, हमेशा क्या करना है, डाउनवर्ड आर यूज़ करना है। आर के बाद कभी भी एम आ जाए, फिर आपको सारे रूल भूल जाने, कोई भी रूल हो, आप पहले आर हो, बाद में आर हो, वोवल पहले हो, खींचे नहीं खींचे, कुछ भी याद नहीं रखना। अगर आर के बाद आपको एम दिख रहा है तो डाउनवर्ड आर ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, रूम आ गया, आर के बाद एम है, ये तो वोवल है, डायरेक्ट आर के बाद एम है, तो डाउनवर्ड आर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, रूम बनेगा, ये रहा रूम हो गया, फॉर्म हो गया, एफ ओ आर एम, फॉर्म हो गया, तो एफ बनेगा, आर बनेगा, एम बनेगा, फॉर्म। ठीक है, और अपवर्ड आर कब यूज़ करेंगे, जब आर किसी वर्ड के क्या हो, मिडल में हो, आर क्या हो, मिडल में हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, पार्टी, आर क्या आ गया, मिडल में आ गया। ठीक है, तो पार्टी के लिए क्या करेंगे, पी बनाएंगे, आर बनाएंगे, टी बनाएंगे, पार्टी। ओके, जैसे मार्च, आर मिडल में आ गया तो एम बनेगा, आर बनेगा, च बनेगा, मार्च। ओके, ये तो रूल, इसके 6 रूल थे, ये तो हो गए फिनिश। इसके 2 एडवांस रूल है, आर के बाद क्या आ जाए, टी डी च ज था। आर के बाद क्या आ जाए, अगर ये 5 आ जाए तो आर हमेशा क्या बनेगा, अपवर्ड यूज होएगा। आर हमेशा क्या होगा, अपवर्ड यूज होगा। क्या, आर के बाद क्या आ जाएगा, टी डी च ज और थ, ये 5 स्ट्रोक आ जाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे हमें क्या लिखना है, ई ए आर टी एच, अर्थ, लास्ट में क्या आ गया, थ आ गया, तो हम आर अपवर्ड बनाएंगे। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, अर्ज, ज आ गया लास्ट में, वो आर पहले आ रहा है तो अर्ज।
ठीक है, इसका जो एक और रूल है वो है अपवर्ड स्ट्रोक के साथ हमेशा अपवर्ड आर ही आएगा, अपवर्ड स्ट्रोक के साथ हमेशा अपवर्ड आर यूज करना है, अपवर्ड आर आएगा। एग्जाम्पल के लिए देखियो, जैसे हमें क्या लिखना है, अवेयर लिखना है। अवेयर, डब्ल्यू क्या ऊपर से नीचे बनता है, अपवर्ड है, नीचे से ऊपर जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अपवर्ड स्ट्रोक बोलते हैं। अपवर्ड स्ट्रोक है तो अपवर्ड स्ट्रोक के साथ क्या बनेगा, अपवर्ड स्ट्रोक के साथ आर भी ऊपर ही जाएगा, अवेयर। ओके, जैसे हमें क्या लिखना है, लॉयर, तो एल भी अपवर्ड है तो एल बनाएंगे लॉयर। ठीक है, ये आर के रूल्स खत्म हो गए हैं, फिनिश हो गए यहाँ पे। आर के रूल्स अच्छे से आप क्लियर कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो अगर कोई भी इस चैप्टर में डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आगे जो मैं बता रही हूँ उसके शॉर्ट फॉर्म्स बता रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स इस चैप्टर की जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो है, देखिए, एक तो एंड है और ये सारे क्या बनेंगे, अपवर्ड स्ट्रोक है, सारी अपवर्ड शॉर्ट फॉर्म है, अपवर्ड शॉर्ट फॉर्म है। एंड जो है नीचे से ऊपर बनेगा, ठीक है, एंड बनेगा, एंड के बाद आएगा इसमें एक आर या आवर, ये भी नीचे से ऊपर बनता है, सॉरी ऑन द लाइन बनेगा, आर या आवर। ओके, सॉरी यार, लाइन वाइज बताती हूँ मैं आपको। जो फर्स्ट आता है वो होता है आर, ठीक है, ये आता है ऑन द लाइन बनता है, एक आता है आवर या फिर आवर, ठीक है, ये बिलो द लाइन बनेगा, दोनों के लिए यूज करना है। उसके बाद जो आएगा शुड आएगा, शुड नीचे से ऊपर बनेगा, हु की तरह होता है लेकिन हु डार्क होता है और ये लाइट होता है, और ये नीचे से ऊपर बनेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। एक आता है हुज, ठीक है, हुज ज बनेगा, ये डार्क बनता है, ठीक है। उसके बाद आएगा योर, ऑन द लाइन बनता है डाउनवर्ड आर, ईयर हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलो द लाइन, डाउनवर्ड आर ही बनेगा, ठीक है। एक होता है लार्ज, ज बनेगा लाइन के ऊपर। फिर आ जाएगा थैंक या फिर थैंक्ड, तो था बनेगा लाइन के ऊपर, टच नहीं करना है इसको लाइन से। अगर टू गो एक साथ लिख रहे हैं तो टू गो एक साथ ऐसे लिखें। ओके, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। और आर के इस चैप्टर में आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी रूल्स में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपको क्लास समझ में आई है, आपको पसंद है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।